आज मैं सैनिटाइजर के बारे में बात करूंगा कि जैसे हालात नॉर्मल हो रहे हो लेकिन आपको तमाम तर चीज़ें मिल रही हों, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब आपको सैनिटाइजर अभी भी दस्तयाब नहीं है। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? इसकी जो वजह है मैं इसके बारे में आपको बताता दूंगा आज। आप जानते हैं इसकी वजह क्या है कि सैनिटाइजर अब क्यों दस्तयाब नहीं है? हमें बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान अपने हाथ धोएं और हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, लेकिन कोविड-19 के फैलने के कई माह बाद भी बहुत से लोग हैंड सैनिटाइजर की तलाश के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पूरी दुनिया में दुकानों की शेल्फ खाली है, ऑनलाइन भी कम है, अगर दस्तयाब हैं तो जो फरोख्त करने हैं वो मनमानी कीमत मांग रहे हैं। तो क्या दुनिया को आलमी सतह पर सैनिटाइजर की कमी का सामना है? तो ये है आज का सवाल। अगर दुनिया में हर एक के पास सैनिटाइजर की एक छोटी बोतल हो तो हमें 3,850 लाख लीटर सैनिटाइजर की जरूरत होगी। एलर्टन एडवाइजरी इंटेलिजेंस के तजिया कारों के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा से कबल दुनिया में सिर्फ 3 लाख लीटर सैनिटाइजर तैयार किए जाते थे और वो भी सिर्फ जाती इस्तेमाल के लिए। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अमले ही को महीने भर में 29 लाख लीटर सैनिटाइजर चाहिए होते हैं। सैनिटाइजर की नई फैक्ट्रियां बन रही है, जैसे कि बरतानिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स ने कहा कि वो जर्मनी में हैंड सैनिटाइजर की तैयारी के लिए कारखाना लगा रहे हो, जबकि इसके अलावा एक कारखाना बरतानिया में भी लगाएंगे और NHS को मुफ्त सैनिटाइजर फराहम करेंगे। जबकि वोडका बनाने वाली मशरूबात की कंपनी का कहना है कि वो जल्द ऐसी कंपनियां बना रहे हैं जो सैनिटाइजर बनाएंगी, इसे दुनिया भर में फैले सेहत के निजाम को फराहम करेंगी। लग्जरी ब्रांड LVM अपने परफ्यूम यानी अतर बनाने वाले यूनिट को इस काम पर डाल रही है। यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों की मांग को पूरा नहीं कर सकती, बल्कि ये बात भी है क्योंकि इनके पास वो चीज यानी अल्कोहल ही दस्तयाब नहीं जो मस्कूरा कंपनी के पास है, जो सैनिटाइजर बनाने के लिए सबसे जरूरी है। अमेजोन पर अल्कोहल पर मबनी आलमी इदारा सेहत WHO की तजवीज़ करदा सैनिटाइजर की तलाश करें तो आप पाएंगे कि तमाम अच्छे ब्रांड फरोख्त हो चुके हैं। कुछ ही दिन पहले बरतानिया में सिर्फ एक दुकानदार के पास कुछ स्टॉक दस्तयाब था। एक 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत £30 रखी गई है, जो कि कोरोना वायरस के फैलने से पहले इसकी 10 गुना कम कीमत पर दस्तयाब थी। कीमतों का तायुन कौन करेगा? इस किस्म के फरोख्त निदान पर इल्जाम लगाना आसान है कि बहुत से सारे लोगों ने ऐसा ही किया। तहम इसे फरोख्त करने वाली कंपनी हर्ट्स टूल का कहना है कि इतना आसान नहीं है। कंपनी के से राबता करने पर एक दोस्ताना मिजाज के शख्स ने कंपनी से अगर राबता करें तो उनका कहना है कि हम गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि लोग हमें कहते हैं हम मुनाफा ले रहे हैं, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं हम ऐसा नहीं करें। वाज़ह तौर पर यह पहला मौका नहीं जब किसी ने इस तरह के सवाल जवाब दिए हों।